बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर जाहिद हुसैन टैक्सेस ऑन बिजनेस लॉ के साथ हाजिर है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि डेफिनेशन से रेलिवेंट है, और इसके लिए हमें स्टडी करना होंगे सेक्शन 1 और सेक्शन 2, और इसके साथ एक शेड्यूल भी है, शेड्यूल नंबर 1। ये भी हम साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। इस लॉ को डाउनलोड करने के लिए आप इन लिंक्स को यूज कर सकते हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड रेशनलाइज द लॉ रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन इन द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एंड इन ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स एंड इंडस्ट्री। लॉ का जो बेसिक पर्पस है वो उसके प्रीएम्बल में बयान कर दिया गया है। इस लॉ का बेसिक पर्पस ये है कि ट्रेड यूनियन जो है उनको फॉर्म कैसे किया जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा, उनको रेगुलेट कैसे किया जाएगा, ये इसका बेसिक पर्पस है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन उनके दरमियान जो रिलेशंस हैं उनको इम्प्रूव कैसे किया जाएगा, ये इसमें क्लियर किया गया है। और इस लॉ का जो बेसिक एप्लीकेशन बनती है वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में होगी। इसके अलावा जो ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स है और इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर भी इस लॉ की एप्लीकेशन होगी। यानी इस लॉ का जो मेन सब्जेक्ट टेरिटरी है दैट इज इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, और इसके अलावा जो दूसरे प्रोविंसेस में अगर कोई ब्रांचेस हैं किसी एस्टेब्लिशमेंट की, किसी इंडस्ट्री की, किसी कंपनी की, इस लॉ की एप्लीकेशन वहां भी हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में 18th अमेंडमेंट हुई थी। उस 18th अमेंडमेंट के बाद जो लेबर के मामला थे वो सूबों के सुपुर्द कर दिए गए हैं, लिहाजा ये लॉ बेसिकली डील करेगा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को और ये किसी प्रोविंस को नॉर्मली डील नहीं करेगा। लेकिन जिन मैटर्स का ताल्लुक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के साथ भी हो और प्लस उस एस्टेब्लिशमेंट की कोई भी ब्रांच या कोई भी और जो कंपनी है वो किसी और प्रोविंस में हो तो ये लॉ उसको भी रेगुलेट कर सकता है। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अलावा जो ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं ये उसको भी रेगुलेट कर सकता है। अब यहाँ पे फर्दर ये कहा गया है कि ये लॉ जो कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और प्रोविंशियल लेवल पे रेगुलेट किया जाएगा, मकसद इसका कि ट्रेड यूनियन को फॉर्म करना, फेडरेशंस ऑफ ट्रेड यूनियंस, इसके अलावा डिटरमिन करना कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट को, इसके अलावा इसमें बताया जाएगा कि एम्प्लॉयर और वर्कर्स के दरमियान कैसे रेगुलेट किया जाएगा, कैसे रेगुलेट किए जाएंगे उनके रिलेशंस को, अवॉइडेंस एंड सेटलमेंट ऑफ एनी डिफरेंसेस, यानी अगर कोई डिफरेंस आ जाते हैं, इख्तलाफ आ जाता है एम्प्लॉयर्स का वर्कर्स के दरमियान या वर्कर्स का एम्प्लॉयर्स के दरमियान या वर्कर्स का वर्कर्स के दरमियान, उनको अवॉइड कैसे किया जाएगा, ये इस लॉ में क्लियर किया गया है। और उसके सेटलमेंट के लिए कौन कौन से मेजर्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं ये भी इस लॉ में बताया गया है। चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी। चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन 1 में लॉ की एप्लीकेशन, उसके एक्सटेंट, टाइटल और कमेंसमेंट है। सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि इस लॉ को इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012 कहा जाएगा, और यहाँ पे हमें याद रखना होगा कि कुछ कंडीशन है सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3, यानी सब सेक्शन 3 जो हम नीचे भी पढ़ेंगे इसको, इसके ताबे इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है वो मशरूत है सब सेक्शन 3 के साथ। सब सेक्शन 3 ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये लॉ तमाम एस्टेब्लिशमेंट्स और इंडस्ट्रीज पर एप्लीकेबल होगा जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में फॉल करती हैं और जो अपना बिजनेस करती हैं एक से ज्यादा प्रोविंसेस में, तो ये लॉ
वहां पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है, बट शैल नॉट अप्लाई टू एनी पर्सन एम्प्लॉयड। और ये मजीद जो क्लॉजेज है उसके तहत बताया गया है इस लॉ की एप्लीकेशन यहाँ नहीं होगी। मैं दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ कि सब सेक्शन 3 में ये कहा गया है कि सलामत कैपिटल टेरिटरी में इस लॉ की एप्लीकेशन है, और इसके अलावा अगर उस एस्टेब्लिशमेंट के एक से ज़्यादा ब्रांचेज हैं या एक से ज़्यादा उनके ग्रुप की कंपनीज हैं और वो एक से ज़्यादा सूबों में हैं तो उस लॉ के वहाँ पर भी एप्लीकेशन होगी, लेकिन यहाँ पे लॉ की एप्लीकेशन नहीं होगी, काम पे एप्लीकेशन नहीं होगी। अब हम वो देखते हैं, क्लॉज ए, इन द पुलिस और एनी ऑफ डिफेंस सर्विसेज, इसके अलावा आर्म सर्विसेज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इस लॉ के एप्लीकेशन ना तो पुलिस डिपार्टमेंट में है, ना ही इसके एप्लीकेशन होगी डिफेंस सर्विसेज में, ना ही आर्म फोर्सेज में होगी, ना ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में होगी। इसकी रीजन ये है कि इन इदारों के लिए अपने अलग से लॉज ऑलरेडी मौजूद हैं, लिहाजा इस लॉ की एप्लीकेशन इन इदारों में नहीं होगी। उनका एक अपना क्राइटेरिया, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो लिहाजा वो उनको रेगुलेट करेंगे। क्लॉज बी में कहा गया है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट है वहां पर इसकी एप्लीकेशन नहीं होगी। रियासत जिन इदारों को चलाती है, रन करती है डायरेक्टली, वहां पे इस लॉ की जो एप्लीकेशन है वो नहीं होगी। क्लॉज सी में कहा गया कि जो भी मेंबर ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ के हैं जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन में वर्क करते हैं और उनका जो वर्क ग्रुप है, जो उनका ग्रुप 5 या उससे कम पे काम करते हैं, वहां पे इस लॉ की एप्लीकेशन नहीं होगी। क्लॉज डी में कहा गया है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन और सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड में भी इस लॉ की एप्लीकेशन नहीं होगी, और ना ही इस लॉ की एप्लीकेशन होगी उन इदारों में जो सिक, इनफर्म, डिस्टिट्यूट और मेंटली अनफिट पर्सन्स को ट्रीट करते हैं। ऐसे इदारों में हस्पताल आ सकते हैं या रिहेबिलिटेशन के इदारे आ सकते हैं या कोई भी ऐसे इदारे आ सकते हैं जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इस लॉ की एप्लीकेशन उन इदारों में भी नहीं होगी। और जैसे ही लॉ नाफिजुलअमल हुआ तब से इस लॉ को जो है इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। सेक्शन 2 के तहत डेफिनेशंस हैं डिफरेंट। इसमें क्लॉज 1 में आर्बिट्रेटर की डेफिनेशन है। आर्बिट्रेटर मींस अ पर्सन अपॉइंटेड एज सच अंडर सेक्शन 40। सेक्शन 40 के तहत जो ऑफिसर अपॉइंट किया गया एज एन आर्बिट्रेटर, इससे मुराद वो आर्बिट्रेटर होगा। और क्लॉज 2 में कहा गया है अवार्ड क्या होता है। अवार्ड मीन्स द डिटर्मिनेशन बाय द कमीशन और आर्बिट्रेटर। अवार्ड एक इस तरह का फैसला होता है, इस तरह की ऑब्जर्वेशन होती है जिसको डिटर्मिन करता है, उसको तायुन करता है कोई कमीशन, या उसको डिटर्मिन कर सकता है कोई आर्बिट्रेटर। जैसा कि हमने क्लॉज 1 में पढ़ा, आर्बिट्रेटर को डिस्कस किया गया है सेक्शन 40 में। ये जो अवार्ड है किससे मुतलक होगा, किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से मुतलक होगा या किसी ऐसे मामले से मुतलक होगा जिसका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के साथ ताल्लुक है, और इस अवार्ड में इंटरिम अवार्ड भी हो सकता है। यानी ऐसा अवार्ड भी हो सकता है जो कभी फाइनल ना हो, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो है वो अवार्ड तैयार कर लिया गया हो। इंटरिम को उर्दू में हम अबूरी भी कह सकते हैं, और बुरी से मुराद है जो फॉर द टाइमिंग या आर्जी तौर पे कोई भी डिसीजन किया गया हो लेकिन वो भी फाइनल ना हो, तो कोई भी अबूरी या आर्जी जो डिसीजन है उसको हम इंटरिम अवार्ड कह सकते हैं, और इंटरिम अवार्ड जो है वो भी अवार्ड की डेफिनेशन में फॉल करता है। क्लॉज 4 में कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट को डिस्कस किया गया है। किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से या ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स में या किसी भी इंडस्ट्री में कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट से मुराद है ऐसी ट्रेड यूनियन वर्कमैन की
सेक्शन 19 के तहत जो कि एजेंट है वर्कमैन की उस एस्टेब्लिशमेंट में या उस इंडस्ट्री में, और जो भी मामला था कलेक्टिव बार्गेनिंग से मुतलक वो ये डिटरमिन करती हो, फाइनलाइज करती हो, उसे हम कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट कहेंगे। यहाँ सिंपल वर्ड्स में आपको बता दिया जाए कि जो ट्रेड यूनियन किसी एस्टेब्लिशमेंट में या किसी इंडस्ट्री में फॉर्म हो गई है, अगर एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियंस वहाँ पे मौजूद हो, हम सपोज करते हैं कि इंडस्ट्री में 3 ट्रेड यूनियंस मौजूद हैं, उन 3 ट्रेड यूनियंस में जो एम्प्लॉयर है उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एम्प्लॉयमेंट के, उनको रेगुलेट करने के लिए कौन से ट्रेड यूनियन के साथ जो है वो बार्गेनिंग कर सकता है, डिस्कस कर सकता है, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो है वो डिटरमिन कर सकता है इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, तो अब उसके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उन 3 ट्रेड यूनियंस में से कोई एक ट्रेड यूनियन ऐसी हो जो अक्सरियत रखती हो, जिसमें नुमाइंदगी हो अक्सर वर्कमैन की, उसकी बात को जो है फॉलो किया जाए। उस ट्रेड यूनियन को हम कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। और अगर 3, जैसे कि अभी एग्जांपल में हमने सपोज किया है, अगर 3 ट्रेड यूनियंस है तो उसके बाकायदे तौर पर फिर इलेक्शंस होते हैं, उन इलेक्शंस में जिसके वोट ज़्यादा होते हैं उस ट्रेड यूनियन को कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट का दर्जा दे दिया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन की जानिब से। कमीशन, कमीशन से मुराद है ऐसा इदारा जो कि नेशनल इंडस्ट्री रिलेशंस कमीशन कहलाता है और एस्टेब्लिश हुआ है सेक्शन 53 के तहत इसी लॉ के, तो इसको हम डिटेल में बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपल वर्ड्स में कमीशन से मुराद नेशनल इंडस्ट्री रिलेशंस कमीशन है, जिसे हम सिंपली NIRC भी कह सकते हैं। क्लॉज 7 में कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स को डिस्कस किया गया है। कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स से मुराद है कि जो किसी कॉन्सिलेटर के सामने प्रोसीडिंग्स हो उन्हें हम कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स कहेंगे। कॉन्सिलेटर कौन होता है? कॉन्सिलेटर से मुराद ऐसा शख्स है जिसे अपॉइंट किया जाता है अंडर सेक्शन 36, उसे हम कॉन्सिलेटर कहेंगे। कॉन्सिलेटर का बेसिक फंक्शन ये होता है कि वो अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, किसी इंडस्ट्री में, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ये अपने सिफारशात देता है और कोशिश करता है कि मामला को अफहाम और तफहीम के साथ, सुलह सफाई के साथ रिजॉल्व कर लिया जाए। ये बेसिक पर्पस होता है कॉन्सिलेटर का, और वो अपॉइंट होता है अंडर सेक्शन 36। क्लॉज 9 में एम्प्लॉयर को डिफाइन किया गया है। एम्प्लॉयर से मुराद कोई भी ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक किसी एस्टेब्लिशमेंट, किसी इंडस्ट्री के साथ हो, या तो वो इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है या बॉडी ऑफ पर्सन हो सकता है, यानी कोई कंपनी हो सकती है, कोई कॉरपोरेट इदारा हो सकता है, और जो एम्प्लॉय करता है वर्कमैन को अपने एस्टेब्लिशमेंट में या इंडस्ट्री में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के तहत, उसे हम कहेंगे एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फर्दर जो फॉल करते हैं वो यहाँ पे मजीद बताए गए हैं, जैसे क्लॉज ए में कहा गया है उसका कोई एयर, सक्सेसर और असाइन, ये भी एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में फॉल करेगा, यानी उसकी वफात के बाद उसके जो कानूनी वरसा होंगे वो भी एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में फॉल करेंगे। क्लॉज बी में कहा गया है कि जो भी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबल पर्सन है या जिसका एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल है जिसके पास, उसे भी हम एम्प्लॉयर कहेंगे। जो कंपनी के, फैक्ट्री के, इंडस्ट्री के, एस्टेब्लिशमेंट के अफेयर्स को मैनेज करता है अपने एम्प्लॉयर के लिए, वो शख्स भी एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में फॉल कर सकता है, या जिसका कंट्रोल है मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट पे, वो भी एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में फॉल कर सकता है। क्लॉज सी में कहा गया है कि अगर इसका ताल्लुक किसी फेडरल गवर्नमेंट के साथ हो, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री जिसका ताल्लुक फेडरल गवर्नमेंट के साथ हो, उसका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा वो भी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल करेगा उस इंडस्ट्री के हवाले से जिसको अथॉरिटी दी गई है। क्लॉज डी में ये कहा गया है कि जो कंपनी का, इंडस्ट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो भी एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में फॉल करेगा।
फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से मजीद इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ डिस्टिंक्शन फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ वर्कर्स और वर्कमैन, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट वो बिलोंग टू द, अब यहाँ पे ये चीज क्लियर की गई है कि वर्कर्स और वर्कमैन के अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं और एम्प्लॉयज हैं वो एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में फॉल करेंगे तब अगर वो इस नोयत का काम करते हो, इस नोयत का डेजिग्नेशन उनका हो, जैसा कि वो सुपीरियर ऑफिसर्स हों या मैनेजरियल पोस्ट पे काम कर रहे हों या सेक्रेटरियल वर्क कर रहे हों या डायरेक्टर हों किसी इदारे के या सुपरवाइजर हों या एजेंसी स्टाफ के मेंबर्स हों, यानी एजेंसी स्टाफ से मुराद है कि जो फेडरल गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हों और उनको नोटिफाई किया गया हो ऑफिशियल गेजेट में, ऐसे जो ऑफिसर्स हैं ये भी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल कर सकते हैं। क्लॉज ई में ये कहा गया है जो भी लोग डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, सेक्रेटरी हैं, एजेंट हैं या ऑफिसर हैं या ऐसे शख्स हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक है मैनेजमेंट के साथ, कंपनी के अफेयर्स की मैनेजमेंट के साथ, और वो उसके प्रोपराइटर भी हैं या प्रोपराइटर हो सकते हैं, ऐसे लोग भी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल कर सकते हैं। क्लॉज 10 में एस्टेब्लिशमेंट को डिस्कस किया गया। एस्टेब्लिशमेंट से मुराद कोई भी ऑफिस हो सकता है, कोई फर्म, फैक्ट्री, सोसाइटी, अंडरटेकिंग, कंपनी या कोई शॉप हो सकता है या कोई इस तरह का बिजनेस हो सकता है, उसे हम एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं। अब फर्दर ये बताया गया है कि जिसमें एम्प्लॉय किया जाता है वर्कमैन को, चाहे वर्कमैन को डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता हो या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉय किया जाता हो, वो एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगी। फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और इंडस्ट्री, किसी भी बिजनेस या इंडस्ट्री में काम करने के लिए उन्हें एम्प्लॉय किया जाता हो और उसमें वो तमाम डिपार्टमेंट्स और तमाम ब्रांचेस शामिल हैं जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के साथ हो या जो एक से ज्यादा सूबों में फॉल करती हो, ऐसे इदारे, ऐसे इंडस्ट्रीज जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में फॉल कर सकती हैं। वेदर सिचुएटेड इन द सेम प्लेस और इन डिफरेंट प्लेसेस, चाहे वो इदारा, वो इंडस्ट्री एक ही जगह पे हो या मुख्तलिफ जगहों पर, जैसा कि हमने अभी भी डिस्कस किया कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में एक मेन ब्रांच उनकी हो सकती है, हेड ऑफिस हो सकता है, बाकी उनके ब्रांचेस डिफरेंट प्रोविंसेस में हो सकती हैं, चाहे मजीद एक सूबे में हो या एक सूबे से ज्यादा पे हो, ऐसा इदारा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के डेफिनेशन में फॉल कर सकता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, हमें उसको भी ऑब्जर्व करना है। एक्सेप्ट इन सेक्शन 62 इंक्लूड्स आर कलेक्टिव बार्गेनिंग यूनिट इफ एनी कॉन्स्टिट्यूटेड बाई एनी एस्टेब्लिशमेंट और ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स। इसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग यूनिट जो है वो इसमें शामिल नहीं होगा जो कि सेक्शन 62 के तहत बनाया गया हो या कॉन्स्टिट्यूट किया गया हो। कलेक्टिव बार्गेनिंग यूनिट एस्टेब्लिश की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। बाकी हमने जो ऊपर डिस्कस किए पॉइंट्स ये तमाम जो हैं ये एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। अब क्लॉज 11 में एग्जेक्टिव को डिफाइन किया गया। एग्जेक्टिव जो है इससे मुराद कोई भी एक बॉडी हो सकती है जिसमें एक से ज्यादा लोग भी शामिल हो सकते हैं और चाहे उसका नाम कुछ भी रख दिया जाए, जिसका ताल्लुक मैनेजमेंट के साथ हो, कंपनी के मैनेजमेंट के अफेयर्स के साथ हो या ट्रेड यूनियन के मैनेजमेंट के अफेयर्स के साथ हो और उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने इंट्रस्ट किया हो, उसे हम एग्जेक्टिव कहेंगे। दोबारा सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता दूं, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में भी, लेकिन यहाँ पे ये याद रखना जरूरी है कि एग्जेक्टिव जो है ये ऐसे लोग होते हैं मैनेजमेंट के अफेयर्स को सर अंजाम देने वाले, जो बेसिकली एम्प्लॉयर को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और वर्कमैन को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली जो है हमें ट्रेड यूनियन के हवाले से डिस्कस करना है। ये ट्रेड यूनियन के बेसिकली ऑफिसर्स होंगे
जो ट्रेड यूनियन के मैनेजमेंट के अफेयर्स को देख रहे होंगे, और जो इनको अख्तियारात दिए गए हैं ये बेसिकली दिए गए हैं उस ट्रेड यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इनको इख्तियारात दिए जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं एग्जेक्टिव, और इनका ताल्लुक जो है वो ट्रेड यूनियन के साथ है। एग्जेक्टिव की टर्म मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि ये हम एम्प्लॉयर के लिए, ये एम्प्लॉयर के मैनेजमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं और ये हम वर्कर के लिए भी यूज कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे ये टर्म हम यूज करेंगे ट्रेड यूनियन के अफेयर्स को मैनेज करने वाली बॉडी के साथ, उनके ऑफिसर्स के साथ, इनका ताल्लुक ट्रेड यूनियन को रेगुलेट करना, उसको रन करना है बेसिकली। क्लॉज 12 गवर्नमेंट को इंडिकेट करता है और इससे मराद है फेडरल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया, यहाँ पे जो भी वर्ड आप गवर्नमेंट से मुतल्लिक पढ़ेंगे वो उस गवर्नमेंट से मराद प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं होगी बल्कि सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट होगी। एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन तो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लॉज 13 में ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स को डिस्कस किया गया। ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट से मुराद है जहाँ पे एक ही एम्प्लॉयर के एस्टेब्लिशमेंट या कंपनी या इंडस्ट्री एक से ज्यादा जगहों पर हो, उसे हम ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स कह सकते हैं। यानी एक एम्प्लॉयर के एक से ज्यादा इंडस्ट्रीज हो, वो एक जगह पर भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा जगह पर भी हो सकते हैं, लेकिन उसका जो ताल्लुक है बेसिकली वो सेम एम्प्लॉयर के साथ होना चाहिए। क्लॉज 14 में इलीगल लॉकआउट को डिस्कस किया गया है, डिफाइन किया गया है। इलीगल लॉकआउट वो है जो कि कमेंस की जाती है, डिक्लेयर की जाती है, कंटिन्यू की जाती है इस एक्ट के अलावा, यानी लॉ में जो लॉकआउट का प्रोसीजर बताया गया है, तरीकाकार बताया गया है, अगर उससे हटके लॉकआउट होता है उसे हम इलीगल लॉकआउट कहेंगे। मैं यहाँ पे सिंपली लॉकआउट को डिफाइन करूँ सिंपल वर्ड्स में। बेसिकली लॉकआउट ये राइट होता है किसी एम्प्लॉयर का, लॉकआउट राइट होता है किसी एम्प्लॉयर का, और एम्प्लॉयर अगर किसी वजह से किसी मजबूरी के तहत या किसी और मसाइल ऐसे बन जाए जिसकी वजह से वो अपने एस्टेब्लिशमेंट को, अपने इंडस्ट्री को के काम को कंटिन्यू नहीं रख सकता, तो वो फॉर द टाइमिंग इदारे को बंद कर सकता है, ताले लगा सकता है। लॉकआउट को उर्दू में तालाबंदी कहा जाता है, इसको हम कहते हैं लॉकआउट। लेकिन अगर ऑनर या एम्प्लॉयर कानून से हटके जानबूझ के अगर अपने एस्टेब्लिशमेंट को, इंडस्ट्री को ताले लगा देता है, बंद कर देता है, क्लोज डाउन कर देता है, ऐसा अमल बेसिकली इलीगल लॉकआउट कहलाएगा, जिसमें जिसको लॉ में डिफाइन नहीं किया गया और ना ही कानून के तहत इसकी कोई गुंजाइश मौजूद हो, वो इलीगल लॉकआउट कहलाएगी। क्लॉज 15 में इलीगल स्ट्राइक कहा गया को डिफाइन किया गया है। स्ट्राइक बेसिकली राइट है किसी वर्कमैन का, लॉकआउट राइट हो सकता है किसी एम्प्लॉयर का, अगर ऐसी मजबूरी हो, ऐसी परेशानी हो तब। अगर स्ट्राइक डिक्लेयर की जाती है, कमेंस की जाती है, कंटिन्यू की जाती है इस लॉ से हटके, तो ऐसे स्ट्राइक को हम इलीगल स्ट्राइक कहेंगे। जैसा कि हमने इलीगल लॉकआउट को डिफाइन किया था, अपने जायज मुतालबात के लिए अगर वर्कमैन या वर्कर्स अपने एम्प्लॉयर को तजावीज देते हैं और उन तजावीज को मंजूर नहीं किया जाता, या वो मुतालबात करते हैं और उनका मुतालबात को मंजूर नहीं किया जाता, तो उस सूरत में वो स्ट्राइक कर सकते हैं, काम करने से इनकार कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, और एहतजाज कर सकते हैं कि उनके मुतालबात को मंजूर कर लिया जाए। ये अमल स्ट्राइक है। लेकिन अगर वो इंडस्ट्री को, एस्टेब्लिशमेंट को जहाँ पे वो काम करते हैं उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ये अमल करते हैं, या गैर कानूनी हवाले से कोई ऐसा अमल करते हैं, इसको हम लीगल स्ट्राइक नहीं कह सकते बल्कि इलीगल स्ट्राइक कहेंगे, क्योंकि इलीगल स्ट्राइक की गुंजाइश कानून में नहीं है। क्लॉज 16 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को डिफाइन किया गया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से मुराद कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है या कोई डिफरेंस है, कोई इख्तलाफ है या कोई तनाज़ा है जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के दरमियान भी हो सकता है, जो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के दरमियान भी हो सकता है,
जो वर्कमैन और वर्कमैन के दरमियान भी हो सकते हैं। यानी यहाँ तक ये बात क्लियर हुई कि ये ऐसा डिस्प्यूट या डिफरेंस है जो एक से ज्यादा एम्प्लॉयर्स के दरमियान भी हो सकता है, या ये एम्प्लॉयर और वर्कमैन के दरमियान भी हो सकता है, या वर्कमैन के दरमियान आपस में भी कोई ऐसे तनाज़ा कोई इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये बात जरूरी है कि तमाम इख्तलाफात या तमाम तनाज़ा जिसका हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं उसका ताल्लुक एम्प्लॉयमेंट के साथ हो या नॉन एम्प्लॉयमेंट के साथ हो, एम्प्लॉयमेंट के किसी टर्म्स के साथ हो या कंडीशंस ऑफ वर्क के साथ हो किसी शख्स के हवाले से स्पेसिफिकली, उसे हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहेंगे। अगर किसी शख्स के जाती मामला है, जाती मसाइल है, जाती इख्तलाफात है, उसको हम जनरली तो डिस्प्यूट कह सकते हैं, लेकिन वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर सकता। इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया है, इंडस्ट्री से मुराद कोई बिजनेस है, कोई ट्रेड है, कोई कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या ऑक्यूपेशन है जिसमें कोई प्रोडक्शन हो सकती है गुड्स की या सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। और इन तमाम इंडस्ट्रीज का तमाम जो हमने ऊपर डिस्कस किए ट्रेड बिजनेस ऑक्यूपेशन एम्प्लॉयमेंट, इन तमाम का ताल्लुक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के साथ होना चाहिए, या वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में भी हो, इसके अलावा वो एक एक से ज्यादा सूबों में भी फॉल करते हो, वो भी इंडस्ट्री कहला सकती है। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो ये एक्सक्लूडिंग दो सेटअप एक्सक्लूसिवली फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, वो इदारे जो सिर्फ चैरिटेबल पर्पस के लिए बने हैं, इन इदारों को हम इंडस्ट्री नहीं कह सकते। तो लिहाजा ये जो ऊपर कंडीशंस बयान की गई हैं अगर ये फुलफिल होती हैं वो इंडस्ट्री कहलाएगी, मांस वाय चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाए गए इंस्टीट्यूशन के, उसे हम इंडस्ट्री नहीं कह सकते। इंडस्ट्री वाइज ट्रेड यूनियन से मुराद ऐसे ट्रेड यूनियन है जिसकी मेंबरशिप एक से ज्यादा प्रोविंसेस में हो और वो किसी एक ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखती हो और उसका जो एम्प्लॉयर है वो एक ही हो। यानी एक एम्प्लॉयर की अगर एक से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, एक से ज्यादा प्रोविंसेस में मौजूद हों, उन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में जो ट्रेड यूनियन है उस ट्रेड यूनियन को हम कहेंगे इंडस्ट्री वाइज ट्रेड यूनियन, क्योंकि उसके जो मेंबरशिप है वो एक से ज्यादा प्रोविंसेस में, एक से ज्यादा इंडस्ट्रीज में है, लेकिन उसका जो एम्प्लॉयर है बेसिकली वो एक शख्स है, वो एक ही एम्प्लॉयर हो जिसके अंडर ये तमाम एस्टेब्लिशमेंट्स या इंडस्ट्रीज काम कर रही हो। क्लॉज 20 में लेबर कोड को डिफाइन किया गया है। लेबर कोड से मुराद ऐसे लेबर कोड है जो कि एस्टेब्लिश होती किसी प्रोविंस में। यहाँ पे देखें वर्ड प्रोविंस लिखा है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी नहीं लिखा हुआ, लिहाजा ये बात क्लियर है कि लेबर कोड का जो इतलाक है या लेबर कोड की जो एस्टेब्लिशमेंट है बेसिकली किसी प्रोविंस में होगी, ना कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में। लॉकआउट, जैसे कि हम पिछली स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं इलीगल लॉकआउट का, अब यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में लॉकआउट डिफाइन किया गया है। लॉकआउट से मुराद है क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयर अपने प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को क्लोज कर देता है या सस्पेंड कर देता है मुकम्मल तौर पे या जुजुई तौर पे, होली और पार्टली, किसी काम को बंद कर देता है एम्प्लॉयर, उसे हम लॉकआउट कह सकते हैं, या वो रिफ्यूज कर देता है, चाहे वो रिफ्यूज करता हो एब्सोल्युटली या कंडीशनल बेसिस पे, कि वो एम्प्लॉयर्स जो जो एम्प्लॉयज हैं उनको वो एम्प्लॉय नहीं करेगा। यानी अगर एम्प्लॉयर रिफ्यूज कर देता है, चाहे उसके रिफ्यूजल एब्सोल्यूट हो या कंडीशनल हो, कि वो एम्प्लॉय नहीं करेगा वर्कमैन को अपने उस इदारे में, वो भी लॉकआउट के डेफिनेशन में फॉल करेगा। और जहां पे ऐसी क्लोजिंग या सस्पेंशन या रिफ्यूजल जो है होती है किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के हवाले से, अब यहाँ पे भी ये बात जरूरी है कि वो मामला लॉकआउट के किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की वजह से हुए हों, इज इंटेंडेड फॉर द पर्पस ऑफ कंपेलिंग वर्कमैन टू एक्सेप्ट सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसका मकसद ये हो कि वर्कमैन को कॉम्पेल किया जाए कि वो एक्सेप्ट करें डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको हम कहेंगे लॉकआउट। मैं सिंपल वर्ड्स में दोबारा बता देना चाहूंगा कि
कि अगर एम्प्लॉयर अपने एस्टेब्लिशमेंट को क्लोज डाउन कर देता है या सस्पेंड कर देता है, चाहे मुकम्मल तौर पर सस्पेंड करे या जुजवी तौर पर सस्पेंड करे, या वो रिफ्यूज कर देता है, चाहे उसके रिफ्यूजल एब्सोल्यूट हो या कंडीशनल हो, कि वो मजीद एम्प्लॉयज को जो है वो एम्प्लॉय नहीं करेगा, या ऐसी जो क्लोजिंग डाउन है, सस्पेंशन है या रिफ्यूजल है, वो अगर होती किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के साथ, ये बात जरूरी है कि ये किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की वजह से एम्प्लॉयर ऐसा कर रहा है। मकसद ये है कि वो वर्कमैन को कंपेल करे कि वो सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन जो उनको एक्सेप्ट कर लें। तो ऐसा जो अमल होगा, इसे हम बेसिकली लॉक आउट कहेंगे। क्लॉज 22 में ऑफिसर को डिफाइन किया गया है। ट्रेड यूनियन के हवाले से जो ऑफिसर का मतलब है, वो है कोई भी मेंबर जो एग्जेक्टिव का मेंबर हो, लेकिन इसमें वो ऑफिसर शामिल नहीं है जो कि ऑडिटर हो या लीगल एडवाइजर हो, उसे हम ऑफिसर नहीं कहेंगे स्पेसिफिकली इस लॉ के तहत। यानी ट्रेड यूनियन का अगर कोई मेंबर एग्जेक्टिव में मौजूद हो, उसे हम ऑफिसर कह सकते हैं, लेकिन कोई ऑडिटर या लीगल एडवाइजर ट्रेड यूनियन का, उसे हम इस डेफिनेशन के रूल से ऑफिसर नहीं कह सकते। क्लॉज 25 पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से मुतल्लिक है। इसमें रेफर किया गया था इस डेफिनेशन के रूल से कि यूटिलिटी सर्विसेज मुराद ऐसे सर्विसेज हैं जिनको स्पेसिफाई किया है शेड्यूल 1 में, तो इसलिए यहाँ पे शेड्यूल 1 जो है वो क्लियर कर दिया गया है कि शेड्यूल 1 में कौन कौन से पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज आती हैं। ये शेड्यूल 1 है बेसिकली। यहाँ पे एक बात क्लियर होनी चाहिए, वो ये कि लॉ में बाज औकात एक लिस्ट दे दी जाती है लॉ के एंड पे कि इस लॉ के एप्लीकेशन फला एरियाज में है या फला एरियाज में नहीं है, या फला इस लॉ के सब्जेक्ट मैटर्स हैं। उस लिस्ट को हम सिंपल वर्ड्स में, बल्कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है, हम उसको शेड्यूल कहते हैं या स्केड्यूल कहते हैं। तो ये जो शेड्यूल है बेसिकली, ये वो होता है जो कि लॉ के तहत उन सब्जेक्ट मैटर्स को डिफाइन करता है जहाँ पे लॉ की एप्लीकेशन होना होती है। अब पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के हवाले से अगर देखा जाए, तो ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। दी जनरेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ऑयल और वाटर टू द पब्लिक, ये अगर कोई अमल हो रहा है, इससे हम पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कहेंगे। नंबर 2 पे है एनी सिस्टम्स ऑफ पब्लिक कंजर्वेंसी और सैनिटेशन। और कोई भी ऐसे मामला जिसका सैनिटेशन के साथ ताल्लुक हो, पानी वगैरह वहम पहुंचाने के हवाले से मामला हो, तो या पानी की सफाई सुथराई से मुतलक मामला हो, तो उसे हम पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कहेंगे। हॉस्पिटल्स एंड एम्बुलेंस सर्विसेज आती हैं इसमें, फायर फाइटिंग सर्विसेज आ सकती हैं, कोई भी पोस्टल, टेलीग्राफ या टेलीफोन सर्विसेज हैं, रेलवेज या एयरवेज ये आ सकती हैं, पोर्ट्स से मुतलक आ सकते हैं मामला। वॉच एंड वार्ड स्टाफ जो है, यानी जो सिक्योरिटी स्टाफ जो है, तो उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की डेफिनेशन में फॉल कर सकती है। तो क्लॉज 25 में पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को डिफाइन किया गया था, बल्कि रेफर किया गया था कि जो शेड्यूल 1 में बताई गई हैं वो तमाम के तमाम पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कहलाएंगे, और शेड्यूल 1 जो है वो यहाँ पे पेस्ट किया गया आपको नजर आ रहा है। क्लॉज 27 रजिस्ट्रार को डिफाइन करता है। इससे मुराद रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस है जो कि अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 4 के तहत। तो स्पेसिफिकली रजिस्ट्रार जो है, ये ट्रेड यूनियन के मामले को रेगुलेट करने वाला ऑफिसर होगा। 29 क्लॉज में सेटलमेंट को डिफाइन किया गया। सेटलमेंट से मुराद ऐसे मामला है जिसमें कॉन्सलेशन प्रोसीडिंग्स के तहत, यानी अफहाम तफहीम के लिए
ऐसे कोई कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई के तहत कोई मामला हो गया है, सेट हो गया है, सेटल हो गया है, उसे हम सेटलमेंट कहेंगे। इसमें ऐसा एग्रीमेंट भी शामिल है जो एम्प्लॉयर और उसके वर्कमैन के दरमियान, वो एग्रीमेंट जो फॉर्म तफीम से तय पा जाए उसे भी हम सेटलमेंट कह सकते हैं। और अगर किसी इंडस्ट्री में कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट ना हो तो वो मामला अगर कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स के तहत सरंजाम पा गया हो तो उसे भी हम सेटलमेंट कहेंगे। और अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट मौजूद है और वो इन राइटिंग है, उस पर पार्टीज के दस्तखत हों और वो इस अंदाज में तैयार किया गया जैसा कि लॉ ने प्रिस्क्राइब किया है, या और उसकी एक जो कॉपी है वो कॉपी भेजी गई हो गवर्नमेंट को और एक कॉपी भेजी गई हो कॉन्सिलेटर को, या किसी ऐसे शख्स को कॉपी भेजी गई जिसको लॉ ने प्रिस्क्राइब किया है, ऐसे अमल को मजमूई तौर पे हम सेटलमेंट कहेंगे। इससे ये बात क्लियर हो गई है कि सेटलमेंट का जो मामला बेसिकली एक फॉर्मल मामला है जिसमें मिल बैठ के, जैसे कि पिक्चर्स में भी आप देख रहे हैं, मिल बैठ के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो और कॉन्सिलेटर और इस तरह के और लोग या कोई भी लोग जिसको अपॉइंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो वो लोग मिल के मामले को रिजॉल्व करते हैं और एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट राइटिंग हो सकता है और उसकी कॉपी गवर्नमेंट के इदारे को भी भेजी जा सकती है, कॉन्सुलेटर को भी भेजी जा सकती है। ऐसा जो अमल है मजमूई तौर पे वो सेटलमेंट कहलाएगा। क्लॉज 30 में स्ट्राइक को डिफाइन किया गया। स्ट्राइक क्या होती है? सेसेशन ऑफ वर्क, काम का रुक जाना, काम को सीज कर देना बॉडी ऑफ पर्सन्स लोगों की जानिब से, यानी एक बंदा इसमें शामिल नहीं है बल्कि मुख्तलिफ लोग शामिल हैं, उनकी एक पूरी बॉडी मौजूद है जो काम को रोक रही है। एम्प्लॉयड इन एनी एस्टेब्लिशमेंट, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट, किसी कंपनी, किसी इंडस्ट्री में वो काम को रोक रहे हैं, काम नहीं कर रहे। एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन और कंस्ट्रक्टेड रिफ्यूजल, और वो एक रिफ्यूज कर रहे हैं काम करने से, मुकम्मल तौर पे इनकार कर रहे हैं मजमूई तौर पे कॉम्बिनेशन के साथ। रिफ्यूजल अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग, और इसमें उनकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग शामिल है, यानी तमाम वर्कमैन जो काम नहीं कर रहे उनकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग उसमें शामिल है, यानी ना तो वो काम को कंटिन्यू करना चाहते हैं और वो काम को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, या वो एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इस वजह से वो अगर काम करने से रुक जाते हैं या रोक देते हैं लोगों को, जो वर्कमैन है, इस अमल को हम स्ट्राइक कहेंगे। सिंपल वर्ड्स में अगर कोई कंटिन्यू ना करना चाहे वर्क एम्प्लॉयज यानी वर्कमैन, या वो एम्प्लॉयमेंट के जो टर्म्स उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, तो उस सूरत में वो अगर इनकार कर देते हैं काम करने से, ऐसा जो अमल है ये स्ट्राइक कहलाएगा। क्लॉज 31 में ट्रेड यूनियन को डिफाइन किया गया है। ट्रेड यूनियन से मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स है। ये वर्कमैन का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है और ये एम्प्लॉयर्स का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ट्रेड यूनियन से वर्कमैन को रिप्रेजेंट कर रही हो, कोई भी ट्रेड यूनियन किसी एम्प्लॉयर को भी रिप्रेजेंट कर सकती है अगर वो एम्प्लॉयर्स की अपनी ट्रेड यूनियन हो और वो फॉर्म की गई हो इस पर्पस के लिए कि उसमें रेगुलेट किया जाए उन ताल्लुकात को जिनका ताल्लुक है वर्कमैन और एम्प्लॉयर के साथ, या वर्कमैन और वर्कमैन के साथ, या एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के साथ, और इसका बेसिक पर्पस ये भी हो कि उसमें कुछ रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस इम्पोज की जाए ट्रेड, किसी ट्रेड या बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए कि हम अपना बिजनेस कैसे करेंगे या ट्रेड को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, इस हवाले से वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस इम्पोज करते हैं, और उसमें फेडरेशन ऑफ टू और मोर ट्रेड यूनियंस जो है वो भी शामिल है, वो भी ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। तो ट्रेड यूनियन वर्कमैन की भी हो सकती है, ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर्स की भी हो सकती है, जिसमें मामला को रेगुलेट करने के बारे में कहा जाता है, रिस्ट्रिक्शंस कंडीशंस के बारे में जो इम्पोज की गई हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में जो है वो कहा जाता है,
तय किया जाता है, और लास्ट में जो कहा गया है वो ये कि ट्रेड यूनियन की फेडरेशन भी हो सकती है जो दो या दो से ज्यादा ट्रेड यूनियंस पर मुश्तमिल हो। यहाँ पे सिंपली आपको बता दिया जाए कि ट्रेड यूनियन जब फॉर्म हो जाती है तो अगर दो या दो से ज्यादा ट्रेड यूनियंस या एक से ज्यादा इलाकों के ट्रेड यूनियंस मिल के बड़े लेवल पे एक फेडरेशन भी बना सकते हैं, उसे हम कहते हैं फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस या सिंपल वर्ड्स में फेडरेशन कहते हैं। और वो क्योंकि ट्रेड यूनियंस की ही एक आगे यूनियन होती है, लिहाजा लॉ यह कहता है कि वो भी ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। क्लॉज 32 ट्रांस प्रोविंशियल, इससे मुराद है कोई भी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट या ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट या कोई इंडस्ट्री जिसकी ब्रांचेस जो हैं वो एक से ज्यादा सूबों में हो, उसे हम कहते हैं ट्रांस प्रोविंशियल। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वर्कमैन की डेफिनेशन को। क्लॉज 33 है वर्कर एंड वर्कमैन। चाहे हम कोई भी टर्म वर्कर की यूज करें इस लॉ में या वर्कमैन की टर्म यूज करें, उनका मतलब ये होगा जो यहाँ पे बयान किया गया है। वर्कर या वर्कमैन से मुराद कोई पर्सन है जो कि एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। यहाँ पे ये बात याद रखना इंतहाई जरूरी है, कोई भी एम्प्लॉयर वर्कर या वर्कमैन की डेफिनेशन में फॉल आमतौर पर नहीं कर सकता। और वर्कर या वर्कमैन को एम्प्लॉय करता है, इसको एम्प्लॉय किया जाता है, मुलाजमत दी जाती है, ये वो शख्स होता है। और इसमें सुपरवाइजर भी हो सकता है और इसमें जो है वो अप्रेंटिस भी हो सकता है। वर्कमैन के डेफिनेशन में ये दोनों लोग हो सकते हैं। अब यहाँ पे सुपरवाइजर से मुराद वो मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नहीं है, बल्कि अगर वर्कमैन चार या पांच वर्कमैन है उनमें से जो सीनियर वर्कमैन उनको उनकी सुपरविजन के लिए लगा दिया जाए, उसे हम सुपरवाइजर कहेंगे। इन एन एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री, ये किसी एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री में काम करे होंगे और इनको हायर किया जाता होगा या इनको कोई रिवॉर्ड दिया जाता हो, चाहे इनको डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता हो, एम्प्लॉय किया जाता हो, या थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर इनको एम्प्लॉय किया जाता हो, चाहे इनके जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, यानी इनके जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है चाहे वो वाज़े तौर पे हो, लिखी हुई हो, या जुबानी बातचीत के तहत तय की जाए, या किसी कंडक्ट के जरिए जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस तय की जाए फॉर द पर्पस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट। तो किसी भी प्रोसीडिंग के लिए जो इस एक्ट के तहत किया जाए और उसमें एम्प्लॉय करता हो वर्क एम्प्लॉयर जो है वर्कमैन को एम्प्लॉय करता हो, और उसमें हम अगर इंडस्ट्री के डिस्प्यूट डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडस्ट्री के डिस्प्यूट, जब हम इंडस्ट्री के डिस्प्यूट का जिक्र करते हैं बेसिकली ये डिस्प्यूट एम्प्लॉयर और वर्कमैन के दरमियान हो सकता है, और वर्कमैन और वर्कमैन के दरमियान हो सकता है, या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के दरमियान हो सकता है। तो लिहाजा डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए जरूरी है कि कोई भी शख्स जो वर्कमैन है उसके डिस्प्यूट को रिजोल्व करना है तो वर्कमैन के डेफिनेशन में भी फॉल करता हो, चाहे उन डिस्प्यूट्स का ताल्लुक डिसमिसल के साथ हो, डिस्चार्ज के साथ हो, रिट्रेंचमेंट के साथ हो, ले ऑफ के साथ हो, या किसी और रिमूवल के हवाले से हो। तो ये जो एम्प्लॉयर डिस्कस करेगा एम्प्लॉय के हवाले से मामला, उसके लिए जरूरी है कि उसका एम्प्लॉय वर्कमैन या वर्कर के डेफिनेशन में फॉल करता हो। और ये जो तमाम तनाज़ात पैदा हुए हैं बेसिकली किसी एम्प्लॉयमेंट के तहत हुए हों या उनका ताल्लुक उन कॉन्सिक्वेंसेस के साथ हो जो किसी डिस्प्यूट से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें किसी वर्कमैन को डिसमिस किया गया, डिस्चार्ज किया गया, रिट्रेंच किया गया, ले ऑफ किया गया, या उसको रिमूव किया गया, इन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए जो एम्प्लॉय होंगे उनका वर्कमैन की डेफिनेशन में फॉल होना जरूरी है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं बेसिकली इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं वर्कर या वर्कमैन में, लेकिन ये वर्कर या वर्कमैन के डेफिनेशन में फॉल नहीं करते, जैसा कि मैनेजीरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, जो एग्जेक्टिव्स हैं, ये वर्कर या वर्कमैन की डेफिनेशन में फॉल
नहीं करते। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर जो डेफिनेशन से मुतल्लिक था ये इख्तिताम पज़ीर होता है। अल्लाह हाफिज़।